चूरू के रतन नगर से अब तक की खास खबर आ रही है, जहां पर नगर पालिका के उपचुनाव हुए संपन्न। निकिता गुजर को मिले 13 मत। नगर कस्बे में नगर पालिका के अध्यक्ष पद के चुनाव में भाजपा की निकिता गुजर को 13 मत मिले। कांग्रेस के सुभाष सैनी को 7 मत मिले। भाजपा की निकिता गुजर ने कांग्रेस के सुभाष सैनी को 6 मतों से हराकर अध्यक्ष पद पर कब्जा किया। जीतने के बाद में निर्वाचन अधिकारी ने निकिता को प्रमाण पत्र दिया। भाजपा की नवनिर्वाचित अध्यक्ष निकिता गुजर ने कहा कि वे अपने पिता पूर्व पालिका अध्यक्ष सत्यनारायण गुजर के अधूरे पड़े विकास कार्यों को प्राथमिकता से पहले पूरा करेंगी। मैं निकिता गुजर, सुपुत्री श्री सत्यनारायण गुजर, सम्मानीय राजेंद्र राठौड़ साहब, भाजपा मंडल परिवार, रतन नगर परिवार का हार्दिक तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। के जो अधूरे सपने रह गए हैं, मैं उनको पूरा करने का सभी को आश्वासन देती हूँ। मंत्री जी ने जो मुझे दायित्व पद सौंपा है, अध्यक्ष भार का जो मुझे पदभार दिया है, मैं उस पर हमेशा खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूँगी। और जो मेरे पापा के और जो मंत्री जी के अधूरे सपने हैं, मंत्री जी ने जो मेरे पापा पे आशा जताई थी काम के विकास की, जो गांव के अधूरा विकास रह गए उसको पूरा करने की हर संभव प्रयास करूँगी।